once again welcome back to this MACD session. So, आज हम MACD के बारे में कुछ descriptions के बारे में आज हम बात नहीं करने जा रहे हैं. हम कुछ ऐसे intraday strategy tactics के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे हम एक MACD को देख करके हम ये figure out करेंगे कि morning में एक माहौल market का कैसा है. वो एक MACD हमें काफी हद तक support करता है इस चीज को जानने के लिए. तो कुछ हम इंट्राडे टैक्टिक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप्स एंड स्ट्रेटजी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे आज एमएससीडी के बेसिस पे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या साइकोलॉजी है जो आप सबको रखनी है एमएससीडी के बेसिस पे ट्रेड करने के लिए, और साइकोलॉजी के साथ साथ क्या वो टॉप 5 मेथडोलॉजीज हैं, टैक्टिक्स हैं, सेटअप्स हैं जिसके बेसिस पे आप एक परफेक्शनिज्म के साथ एमएससीडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं. एमएससीडी के बेसिस पे एक डिटेल्ड, अगर आप एक पीएचडी 5 प्रोग्राम के बेसिस पे समझना चाह रहे हैं एमएससीडी की काफी डिटेल्ड एनालिसिस, तो उसके लिए आप बिलो मेंशन नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आपको वो सेशंस दे सके एंड एक फ्री क्लासेस भी हम आपको असाइन कर सके. सो लेट्स नाउ मूव डायरेक्टली टू दिस एमएससीडी लाइक एडवांस एनालिसिस ऑफ दिस एमएससीडी. मतलब यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ 23 दिसंबर की बात करें, तो यहाँ पर 23 दिसंबर को यहाँ पर अगर हम सिर्फ एमएससीडी को देख रहे हैं, तो एमएससीडी को देख करके यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास चार्ट नहीं भी है, तब भी आप बिना चार्ट को देखे हुए आप आभास लगा सकते हैं एमएससीडी को देख करके कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पर आपने देखा कि जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम्स आ गए, मेरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल नंबर 1 कंफर्मेशन यस मिल गया है. दूसरा एमएससीडी जीरो के नीचे, सेकंड सिग्नल. थर्ड चीज, एमएससीडी गिविंग नेगेटिव क्रॉसओवर टू दी जो है आपका सिग्नल लाइन, ये मेरा तीसरा. ब्रॉडर कंटेक्स्ट में मेरे तीनों कंफर्मेशन ने मुझे ये बता दिया था कि 23 दिसंबर को कतई बाइंग करने का हाल नहीं था, कतई कहीं से भी बाइंग करने का हाल नहीं था. बाइंग करने के लिए तीनों कंफर्मेशन को लेकर के चलेंगे तो 90% से ज्यादा चांसेस है कि आप एक्यूरेट ट्रेड्स को लेकर के ही बाहर आएंगे. आप उसमें प्रॉफिट के चांसेस 95% हो जाते हैं अगर आप ये सिग्नल्स को देखते हैं. ठीक है, ये सिग्नल्स को अगर आप देखते हैं, बाकी तो बीच में तो एमएससीडी फिर एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करने लगता है, तो फिर समझ जाइए कि ट्रेंड अब धीमे धीमे एब्सेंट होने लगा है. लेकिन हाँ, कि अगर आप इंट्राडे में एमएससीडी के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर अगर मॉर्निंग से, जैसे कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आरएसआई 60 के ऊपर आएगा तो हमें बाइंग करनी है, राइट. जो पूरी हमने डिटेल्ड हिस्ट्री की हिस्टोरिकली क्लास लाइव करी थी निफ्टी पे, तभी हमने लेवल्स निकाले थे, टारगेट्स आज के निकाले थे 18,166 के लाइव. तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं एमएससीडी को लगा करके कि मॉर्निंग से माहौल किस साइड में है, मॉर्निंग से माहौल किस साइड में. जैसे 23 तारीख को माहौल दिख रहा है कि हाँ भाई माहौल सेलर्स का ज्यादा है, यहां पे 26 तारीख को दिख रहा है कि माहौल बाइंग साइड में ज्यादा है, 27 तारीख को ये दिख रहा है कि मॉर्निंग से सेलिंग चालू थी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था और फिर ये जीरो के नीचे गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहां से बाइंग आई, फिर ये कन्वर्ज करने लगा और ये जीरो लाइन एक सपोर्ट का काम करी और फिर ये एग्जैक्टली आपका जो था एमएससीडी ने बहुत देर के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर को देखते हुए एमएससीडी ने अपने पूरे दिन का 27 तारीख का ये जो आपका डबल बॉटम्स लगाए थे, डबल टॉप सॉरी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टॉप दो टॉप एमएससीडी ने लगाया था, इसको यहां पर फाइनली ब्रेक कर दिया. हिस्टोग्राम्स भी आपके अबव जीरो बार, एमएससीडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर और एमएससीडी ने, देखिए आप जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है ना, वो आप एमएससीडी में भी लगाइए. जैसे 27 दिसंबर को अगर आप देखिए कि लगातार यहां से एमएससीडी बार बार यूटर्न लेकर के नीचे आ रहा था, तो और यहां पर बार बार यहां पर फाइनली इसने क्रॉसओवर जो दिया. और आप ये देखिए जो कन्वर्जन स्टेज है, हिस्टोग्राम्स का जरा सा हालत देखिए, बिल्कुल गायब है हिस्टोग्राम्स, आपके हिस्टोग्राम्स यहां पर बिल्कुल गायब है.
तो यहाँ पर अगर आपके बिल्कुल गायब है तो समझ जाइए ट्रेंड यहाँ पर एब्सेंट है। और उसके साथ साथ देखिए हिस्टोग्राम फिर नीचे चले गए 0 बार के ऊपर, तो बाइंग नहीं करनी है। फिर यहाँ से 0 बार के ऊपर आए तो देखा जाए तो लॉजिकली बाइंग यहाँ पर बन रही थी, लॉजिकली बाइंग यहाँ पर बन रही थी। जैसे ही हिस्टोग्राम्स अबव 0 आए और एमएसईडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया और एमएसईडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ अबव द 0 लाइन आई, तो अब यहाँ पर अगर मैं होती 27 दिसंबर को तो मैं इस रेजिस्टेंस जो 27 दिसंबर का यहाँ का जो रेजिस्टेंस था, ठीक ये जो टाइम है, लेट मी सी द टाइम ऑल्सो, इस समय टाइम एग्जैक्टली था आपका ये टाइम जो 12 बजे, 12 बजे इसने ये वाला रेजिस्टेंस लगातार एक बार दो बार छुआ हुआ था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखिए कन्फर्मेशन यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन, कन्फर्मेशन अगर आप ध्यान से देखिए 0 के ऊपर आपके डाइवर्जेंस बार आ चुके हैं और बाकी ऑल द 3 जैकपॉट कन्फर्मेशन मिलते हुए यहाँ पर मुझे सिग्नल मिल गए कि भाई बाइंग कर सकते हैं। पर यहाँ पर बाइंग आप देखिए दो काफी प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ करेंगे सामने से बाइंग। मैं अगर होती तो मैं एग्जैक्टली बाइंग करती जब मेरा यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला एमएसईडी को देखते हुए और यहाँ पर देखते हुए, तो मैं एग्जैक्टली 27 ये जो मैं अभी देख रही हूँ 27 का डेटा यहाँ से चालू हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर बाइंग करने के लिए मैं ये जो एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस तीन बार रेजिस्टेंस जो 18,070 पे था, मैं इसको टूटते ही मैं बाइंग कर लेती, क्योंकि मुझे ये यकीन हो जाता कि एमएसईडी ने अपनी एमएसईडी लाइन का रेजिस्टेंस भी तोड़ा। देखिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम लोग डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो जो लोगों ने नहीं जिनको पता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होगा तो आप 0 से जब स्टार्ट करते तो सारी चीजें पढ़ते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी 7 से 8 दिन हम लोग ने इस पे जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करी थी। तो अगर मैं लॉजिकली इंट्राडे ट्रेडर हूं, एमएसीडी का कंफर्मेशन मुझे जब तीनों सिग्नल्स का मिल जाता है, तो आपको इंट्राडे में देखिए नोट कर लीजिए, इंट्राडे में एमएसीडी को यूज करते हुए आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी। साइकोलॉजी मतलब आपकी जो सोच होगी, जो प्रोसेस होगा, वो आप क्या फॉलो करेंगे। पहले आप तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे कि हाँ भाई कि एमएसईडी का, जब आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाए तब उसके बाद, जैसे यहाँ पर केस स्टडी 27 दिसंबर की देखिए कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आपको मिले 1:30 बजे, टाइमिंग देखिए 1:30 बजे 1:30 पे मिला। पहला स्टेप मेरा ये है इंट्राडे में एमएसईडी के बेसिस पे ट्रेड करने के कुछ तरीके होते हैं जो कि एक्चुअली में कहीं गूगल पे नहीं मिलने वाले हैं। हर जगह ओवरव्यू तो सब कोई बात करता है, लेकिन एक साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए कि आप ट्रेड एमएसईडी को देखते ही नहीं करना है। आपने एमएसईडी को देख करके, आपने यहाँ पर देखा एमएसईडी को देख करके ठीक 27 दिसंबर को 1:30 बजे 1:30 मिनट पे यहाँ पर तीनों सिग्नल्स ने हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्म कर दी थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्म कर दी थी। ठीक है, दूसरा स्टेप स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल्स हमने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हमें लेने हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हमने ले लिए, इस केस में आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग है। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिकली पॉइंट क्या आएगा, भाई मान लीजिए मैं हूं राइट, और मान लीजिए आप में से कोई पार्टिसिपेंट है, मान लीजिए कमलेश है, आकाश है, सुरेंद्र है, आप लोग का मान लीजिए ये प्रोसीजर दिमाग में था कि भाई एमएसईडी तो देखो 0 के ऊपर चल रहा है, सारे सिग्नल बाइंग के मिल रहे हैं, बट क्या चार्ट्स पे भी यही वाइब्स आ रही हैं, क्या हमें यही इमोशंस डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंट्स क्या पब्लिक के बाइंग तरफ दिख रहे हैं, क्या हम इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि वाकई में एमएसईडी चार्ट्स पे भी बाइंग सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है 1:30 बजे। तो 1:30 बजे जब मैंने देखा तो 1:30 बजे का देखिए यहाँ पर आपका कंफर्मेशन आपको मिला, और एक्चुअली में हम यहाँ पे कहीं पे चल रहे थे। ठीक है, एमएसईडी को देखते हुए हम यहाँ पर चल रहे थे। तो साइकोलॉजिकली पॉइंट नंबर 1, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने हाँ कंफर्मेशन ले लिया। सेकेंड एलिजिबिलिटी मेरी क्या है कि सेकेंड सेकेंड कंफर्मेशन में मैं ये देखूंगी कि मेरा किस तरफ स्ट्रॉन्ग सिग्नल है।
ठीक है, जो कि 1:30 बजे मुझे ये पता लगा कि बाइंग साइड सिग्नल है। तीसरा मुझे नेक्स्ट साइकोलॉजी मेरे दिमाग में क्या आएगी, उसके लिए फिर मैं चार्ट्स को देखूंगी, प्राइस एक्शन चार्ट। प्राइस एक्शन चार्ट मतलब कि इसको देखने के बाद सीधा नजर आपकी चार्ट पे जाएगी कि उस समय आपका निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है, और वो ट्रेड कहीं ना कहीं कर रहा था यहां पर 18,070 पे। जो तो आपने ये भी देख लिया, तीसरा स्टेप भी फॉलो कर लिया, आपने देखा कि प्राइस एक्शन बेस पे निफ्टी या मतलब निफ्टी जो है, निफ्टी का प्राइस अभी किस डायरेक्शन में कहां पर चल रहा है वो भी हमने देख लिया। चौथा स्टेप हम ये देखेंगे कि क्या कि यहां पर कोई निफ्टी का 27 दिसंबर का अर्लियर क्या यहां पर कोई रेजिस्टेंस था। 27 ही तारीख की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम 26 में तो जा ही नहीं रहे, तो 27 तारीख का आप जो है 1:30 बजे अगर आपने ये सारे कंफर्मेशन लिए तो 1:30 बजे से पहले देखिए कि 1:15 से 1:30 बजे के बीच में निफ्टी कौन से प्राइस को रिस्पेक्ट देता देता आ रहा है अभी 3-4 घंटे से। तो यहां पर ये मिला कि निफ्टी जो है आपका 27 दिसंबर को आपका जो है निफ्टी मॉर्निंग में 18,120, और उसके पहले यहां पर 1:30 बजे से एग्जैक्ट अगर हम पहले देखें तो निफ्टी ने 18,070 से 3 दफा बाउंस बैक लिया है। बाउंस बैक मतलब छुआ और नीचे आया, छुआ और नीचे आया, छुआ और नीचे आया, 3 दफा ऐसा हुआ। तो मैं अगर यहां पर होती कि एमएससीडी के स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गए, ये तो क्लियर हो गया कि एमएससीडी ने हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन दे दिया कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है। उसके बाद उस पे डबल मोहर लगाने के लिए हमने निफ्टी का सेम डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर अगर बाइंग साइड आने वाला है सिग्नल बुलिश ट्रेंड पे तो आपका बाइंग एक्चुअली में कहां पर बन रही है, हमने ये देखा। तो उसके लिए हमने रेजिस्टेंस को देखा, तो रेजिस्टेंस 18,070 का दिख रहा था जो कि 3 दफा वहां से घूम करके नीचे आया। और यहां पर मैं अगर होंगी तो लॉजिकली रेजिस्टेंस पे कभी भी बाइंग नहीं की जाती है, ये मैंने अर्लियर क्लासेस में बताया। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने का वेट करना होता है, 18,070 को टूटने का वेट करना था। अगर टूट गया 18,070 तो समझ जाइए कि ये जो स्ट्रांग बाइंग सिग्नल है इसमें आपकी डबल मोहर का ठप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई चार्ट्स भी यही बोल रहे हैं कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बाइंग का मिल चुका है और यहां पर आपका ब्रेकआउट हो चुका है। और उसके साथ साथ आप लॉजिकली उसके बाद पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये देखेंगे कि एमएसईडी ने आपका यहाँ पर 27 तारीख को आप जैसे 1:30 बजे आपका यहाँ कंफर्मेशन मिला तो आपने एमएससीडी को देखना, एमएससीडी की लाइंस को देखा कि क्या एमएससीडी की लाइन कोई डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो नहीं दे रही, क्या वो आपका रेजिस्टेंस तो नहीं दे रही, क्या वो आपका डबल टॉप तो नहीं दे रही। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी देखा जाए तो डबल टॉप फॉर्मेशन एमएसईडी में बखूबी था, और डबल टॉप फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो कंफर्मेशन यहाँ बाइंग का, ये जो कंफर्मेशन आपका बाइंग का एग्जैक्टली यहाँ पर मिला है कि आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल का, तो यहाँ पर लॉजिकली बाइंग जो है वो यहाँ पर मिल रही है। ये मेरी एमएसईडी की लाइन बोल रही है, जो ये मोटा सा बड़ा सा आपका ग्रीन कलर का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट देते हुए 18,070 के पार चला गया। तो एक्चुअली में यहां पर बाइंग, वो यहां पर एक्चुअल मायने में बाइंग आपको यहां पर मिल रही थी जहां पर मैंने एरो बनाया है। तो यहां पर मतलब एमएसईडी को स्टडी करने का इंट्राडे चार्ट पे जो टैलेंट है, जो तरीका है, उसके लिए आपको जो है ना ये पांच जबरदस्त एलिजिबिलिटी पॉइंटर्स को आपको स्टडी करना है, जिसमें आप एग्जैक्टली ये देखिए, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है। लोग साइकोलॉजी में क्या बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बात करेंगे कि हाँ आपको आपको रिस्क इतना लेना है, रिवॉर्ड उतना लेना है। अरे साइकोलॉजी का मेरी लैंग्वेज में मीनिंग ये होता है कि आप इंडिकेटर या टूल या प्राइस एक्शन कुछ भी पढ़े, लेकिन उसके पीछे का जो 13-14 साल एक्सपीरियंस
जो ब्रेन सेट है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज आपको समझना जरूरी है। अगर आप एक प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड्स की तरफ अगर आप निकलना चाहते हैं तो राइट। तो ये साइकोलॉजी पूरी एमएसईडी के इस तरीके से आपकी स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर की राइट। सो इफ ऑल इन वन लाइन इन वन क्वेश्चन दैट एमएसईडी के पीछे ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आप क्या वो चीजों पे ध्यान देंगे, कौन से टॉप 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो एमएसईडी को देख करके इंट्राडे चार्ट्स पे ट्रेड करने में आपको जबरदस्त हेल्प मिलती है, तो उस चीजों को आप एक रिपीटेटिव पॉइंट्स अपने नोट पैड्स पे लिख सकते हैं। एमएसईडी अगर आप इंट्राडे पे रिसर्च कर रहे हैं तो एमएसईडी मुझे जो बेस्ट लगता है इंट्राडे चार्ट्स के लिए, एमएसईडी को आई ऑलवेज एडवाइज टू यूज इट विद दी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम से अपॉर्चुनिटी थोड़ी जल्दी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू दी 10 मिनट का टाइम फ्रेम। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको यूनिफॉर्मली एक टाइम फ्रेम पे अगर रहना है तो टाइम फ्रेम के हिसाब से एमएसईडी को हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ इसे टेस्टिंग करनी है, यूज करना है इंट्राडे चार्ट्स पे। और बाकी एमएसईडी जो है आपका डेली चार्ट्स पे, तो हमें डेली चार्ट मतलब वन डे का चार्ट एग्जैक्टली है, तो यहाँ पर इंट्राडे चार्ट्स पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ इसे हम यूज करेंगे। मतलब आप जब टर्मिनल पे कुछ भी चार्ट लगाइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक, तो आप टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट्स का वहां पर आप लगाएंगे, और एमएसईडी को इंस्टॉल करने के लिए इंडिकेटर्स में जा करके आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे एमएसईडी को। ठीक है, आप इंस्टॉल कर लेंगे एमएसईडी को। तो ये तरीका है एमएसईडी के बेसिस पे। ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर आपको समझ में आ गए तो समझ जाइए कि आप यहाँ पर आप जो है एग्जैक्टली इस तरीके से यू हैव टू फ्लो इन विद द ट्रेड्स। एमएसईडी मतलब उस कंटेक्स्ट में मैं बेसिकली ज्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे अगर इन कंपैरिजन टू दी आरएसआई अगर हम बात करें, तो आरएसआई तो ये बताता है कि 60 के ऊपर चला गया तो हाँ भाई हम बाइंग कर मतलब अगर हमने करी है तो हम बाइंग में बने रह सकते हैं। एमएसईडी जो है मुझे मॉर्निंग से ये बताता है कि एक्चुअली में माहौल किस साइड पे है, क्या सेलर्स हावी हैं, क्या बायर्स हावी हैं, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा है। जैसे 23 तारीख का हमें मिला, 26 तारीख का हमें मिला, उसके बाद हमें मिला, तो ये एक तरीके से मॉर्निंग से आपको अगर जानना है कि आज बाइंग किस तरफ है और सेलिंग किस तरफ है, तो ये मॉर्निंग से आप काफी कुछ यहाँ से अब देखना स्टार्ट आपको हो जाएगा। जैसे ही आप मॉर्निंग आवर्स में आप इसको लगा करके देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ भाई अगर एकदम से आपने देखा कि निफ्टी का एमएसईडी जो है एकदम 0 लाइन के ऊपर दोनों लाइंस हैं और एकदम बहुत पीक पे जा चुकी हैं और एकदम से वहां से कन्वर्ज हो रही है, तो समझ जाइए वहां पर अभी आप बाइंग फर्दर मत करिए। तो ये लाइंस जो है ना आपकी जो मतलब है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, प्रेजेंट ऑफ ट्रेंड एंड एब्सेंस ऑफ ट्रेंड, ये आपको इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली क्लैरिटी देती है जो एमएसईडी और आपकी जो सिग्नल लाइन एग्जैक्टली होती है। ठीक है, और ये कन्फर्मेशंस को देखने के लिए ये 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है कि एमएसईडी किस डायरेक्शन में कैसे कैसे आपका होता है। ये 4 कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, और सिग्नल्स को लेने के लिए हम लोग ने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस कर लिया है कि नाउ एमएसईडी के बेसिस पे टारगेट कैसे निकाला जा सकता है, ये भी जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर वही है कि एमएसईडी यहाँ के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ और सारी प्लान स्ट्रेटेजी के हिसाब से 18,070 के ऊपर बाइंग बन रही थी। अभी तक हमने ये समझ लिया टारगेट के लिए अब हमें क्या करना था। हम 27 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमने अर्लियर 27 तारीख में जब हमने मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें और एक्चुअली में रेजिस्टेंस जैसे यहाँ टूटा तो 18,070 के ऊपर मान लीजिए हमारी बाइंग बन रही थी, तो 18,070 के ऊपर अब हमें कहाँ तक वेट करना चाहिए और कहाँ तक आपको लग रहा है कि इसके बाद मार्केट यहाँ से घूम जाएगा नीचे, तो उसके लिए एमएसईडी लाइन जो यहाँ ऊपर जा रही थी आप इसको
ये जो मैं पास्ट का 27 तारीख का डेटा देख पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा था कि 27 तारीख का एमएसीडी का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ये था, ठीक है, 27 तारीख का एमएसीडी का रेजिस्टेंस ये था, जो कि आप ये देखिए यहाँ पर ये लाइन थी, ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए जो ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, ध्यान से देखिए, ये डॉटेड लाइन बनाई है हमारे हिसाब से एमएसीडी यहाँ, मतलब जो 18,070 के ऊपर हम बाइंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमें तब तक वेट करना चाहिए था जब तक एमएसीडी लाइन हमारी इस वाली लाइन तक ना आ जाए। एमएसीडी लाइन जैसे ही हमारी इस ये लास्ट का जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो कि मॉर्निंग में 27 तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास बना था, या 10:15 बजे के आसपास, सिमिलरली इस बार भी ये था कि एमएसईडी ऊपर जा रहा है, तो ये लास्ट का जो एमएसईडी का जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, देखिए ये जो यहाँ से एमएसईडी घूम करके नीचे आ गया था, ये यहाँ पर ये उम्मीद थी कि इस बार भी जो ये 1:30 बजे के बाद 18,070 के ऊपर बाइंग आई है, तो ये एमएसईडी लाइन को यहाँ तक ले जा सकती है, और यहाँ पर जैसे ही टच किया, अब यहाँ पर आपको कायदे से देखा जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको बाहर हो जाना चाहिए। तो ये आप एमएसईडी के बेसिस पे टारगेट निकालने के लिए आप एमएसईडी लाइन का, एमएसईडी चार्ट पे ही एमएसईडी लाइंस का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे आप टारगेट्स को इसमें फिगर आउट करते हैं। क्लियर है? बहुत सारे एनालिसिस के वेज हैं जो आज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए मैं आप कुछ लाइव हमारी डेमो क्लासेस में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रीमियम क्लासेस अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी वोलाटिलिटी, जो कि इस मार्केट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें काफी डिफरेंट तरीके से लोगों ने काफी ह्यूज ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो आप उसके लिए, मैं आपको एक बिलो मेंशन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप उसपे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज एवरी वीक हमारा 2 सेशंस लाइंड अप है स्टॉक एनालिसिस पे। उसके बाद फिर आप उसके साथ देखते देखते आप उसमें जो है अपना नेम एंड नंबर फिल इन कर लीजिए, एंड या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, उसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया कैसे ज्वाइन होकर के किस तरीके से लाइव प्रॉफिट्स कर रही है क्लासेस में। तो उन सारी चीजों का मैं लिंक नीचे ड्रॉप डाउन में, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द लिंक बिलो इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।